ये कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है। जारा नाम की लड़की अभी अभी काम से लौटी थी। उसके दोस्तों के नाम मेघा और सीमा थे। तीनों लड़कियां इस शहर में पैसा कमाने आई थीं और तीनों एक ही घर में किराए पर रहती थीं। सीमा अलग कमरे में अकेली सोती थी, जबकि मेघा और जारा एक ही कमरे में सोती थीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करती थीं। दोनों को लड़के पसंद नहीं थे, इसलिए दोनों आपस में ही चाटती थीं। अगले दिन जारा फिर से अपने काम पर लग जाती है। वो एक फेलियर वकील थी, जिस कारण उसका मुश्किल से गुजारा हो रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद जब वो घर आती है तो उसे वो लड़कियां नजर नहीं आती। मेघा और सीमा बाहर गई हुई थी और उनका इंतजार करते करते जारा सोफे पर ही सो जाती है। कुछ ही देर बाद जब दोनों लड़कियां वापस आती हैं तो उनके पास एक बड़ा सा बैग था। बैग के अंदर बहुत सारे कैनेडियन पैसे थे। जारा दोनों लड़कियों से पूछती है कि तुम्हें ये पैसा कहाँ से मिला। फिर सीमा और मेघा एक पार्टी में गई हुई थी। यहाँ बहुत सारे बदमाश पहुंचे हुए थे। सभी बदमाश एक बैग के लिए आपस में झगड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वो सभी एक दूसरे को मार देते हैं। उनकी मौत के बाद दोनों लड़कियां बैग उठाकर वहां से भाग जाती हैं। जारा को सब बताकर मेघा कहती है, वो पार्टी मेरे दोस्त ने रखी थी और वो भी बदमाश था। उसी के बुलाने पर हम दोनों वहां गए थे। मेरा दोस्त नशे का सौदागर है और आज वो भी मारा गया। मेघा की बात खत्म होते ही सीमा उन दोनों से पूछती है कि बैग में कितने पैसे होंगे। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां पैसे गिनने लगती हैं। गिनती के बाद उन्हें पता चलता है कि बैग में 5 करोड़ और एक गन है। जारा गन अपने पास रखकर पूछती है कि अब हम क्या करें। सीमा कहती है कि हमें मैक्सिको जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जारा उसे समझाते हुए कहती है कि हम इतने पैसे लेकर सरहद पार नहीं कर सकते। अब तीनों लड़कियां फिर से सोचने लगी कि पैसों का क्या किया जाए। काफी सोचने के बाद जारा फैसला करती है कि पैसे को कहीं छुपा दिया जाएगा। पैसे तब तक इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे तब तक कि मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। मेघा और सीमा को भी उसका फैसला ठीक लगा। अब तीनों लड़कियां अपना मुंह बंद रखने का वादा भी करती हैं ताकि किसी और को पैसे के बारे में पता ना चले। थोड़ी देर बाद तीनों लड़कियां बैग को एक स्टोर में छुपा देती हैं। स्टोर को 3 लॉक भी लगाए जाते हैं। तीनों लॉक्स की चाबियां तीनों लड़कियां अपने पास रखती हैं। ये स्टोर जारा ने किराए पर लिया था ताकि वो उसमें पैसे छुपा सके। अगले दिन मेघा और सीमा बेहद खुश नजर आ रही थी। सीमा तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब पैसों वाला मामला ठंडा हो और वो कब पैसे इस्तेमाल करे। रात को मेघा जारा से कहती है, तुम बेवजह डर रही हो, हमें बहुत बिल्स भरने हैं और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। मेघा की बात सही थी और उसकी बात सुनकर जारा कहती है, तुम मेरी चाबी लेकर बैग से थोड़े पैसे निकाल लाओ। जारा की बात मानकर मेघा बेहद खुश हो गई। अगले दिन मेघा एक बैंक में जाती है। यहाँ करेंसी बदली जाती थी। वो बैंक वालों से कहती है, मेरा एक कैनेडियन दोस्त अपने पैसे बदलवाना चाहती है। बैंक वाले कहते हैं कि उसे यहाँ आना होगा, तभी हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वो सीमा को लेकर पहले स्टोर में आती है और फिर थोड़े से पैसे निकाल कर बैंक पहुंच जाती है। सीमा भी वेश बदल कर कैनेडियन लड़की बनी हुई थी, इसलिए बैंक वाले उनके पैसे बदल देते हैं। रात को सीमा के पास उसका प्रेमी रॉनी आता है। सीमा जल्दी जल्दी अपना हिस्सा चाहती थी, इसलिए वो रॉनी को बैग के बारे में बता देती है। कुछ ही देर बाद दोनों उसी स्टोर के पास पहुंच गए जिसके अंदर बैग पड़ा था। सीमा के पास सिर्फ अपनी ही चाबी थी, जिस कारण वो सभी लॉक्स नहीं खोल सकती थी। रॉनी अपने साथ एक टूल लाया था और उसकी मदद से उसने सभी लॉक तोड़ दिए। अब वो जैसे ही स्टोर खोलता है तो उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखता। खाली स्टोर देखकर सीमा का दिमाग भी घूम गया था। उसे मेघा और जारा पर बेहद गुस्सा आता है कि दोनों उसे बेवकूफ बना रही हैं। रॉनी हालातों को समझकर सीमा को शांत करने लगा। सुबह होते होते रॉनी ने सीमा को शांत कर दिया। अब वो उसे समझाता है कि हमें सही मौके का इंतजार करना चाहिए, मौका देखकर हम उन दोनों से बैग छीन लेंगे। सीमा को रॉनी की बात ठीक लगी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद सीमा घर आकर मेघा से बातें करने लगी। जारा नहा रही थी और तभी दरवाजे पर आहट सुनकर सीमा दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। देखते ही देखते वो बदमाश अंदर आकर दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। अब बदमाश उनसे बैग के बारे में पूछने लगे और तभी जारा बाथरूम से निकलकर एक बदमाश को मार देती है। दूसरा बदमाश भागने की कोशिश करता है लेकिन जारा उसे भी मार देती है। जारा का नया रूप देखकर सीमा बेहद डर गई थी। कुछ देर बाद मेघा और सीमा खून के निशान साफ कर रही थी। जारा कुछ सामान खरीदने बाजार गई हुई थी। सीमा मेघा से कहती है कि मैं जारा का नया रूप देखकर बेहद डर गई हूँ, मुझे उस पर शक होने लगा है कि वो हमें भी मार सकती है। उसकी बात सुनकर मेघा उसे बताती है कि कई साल पहले जारा के साथ जबरदस्ती हुई थी, उसकी 3 लोगों ने इज्जत लूटी थी। जारा ने बदला लेने के लिए ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर 3ों को मार दिया। जारा को हम किलर कह सकते हैं लेकिन वो किसी को बेवजह नहीं मार सकती। उसकी बात सुनकर सीमा कहती है, मैं जारा पर यकीन नहीं कर सकती, मैं कल रात स्टोर में गई थी और वहां बैग नहीं था, जरूर बैग उसी के पास होगा ताकि हमें मारकर वो पूरा पैसा लेकर भाग सके। सीमा की बात खत्म होते ही जारा भी वापस आ गई और वो दोनों लड़कियों से कहती है, बैग मेरे ही पास है क्योंकि मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं। मेघा उससे पूछती है कि तुम्हारे पास हमारी चाबियां कैसे आईं। जारा बताती है कि मैंने चाबियां देने से पहले ही उनकी डुप्लीकेट
चाबियां बनवा ली थी। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरान हो गई। अब जारा के कहने पर मेघा लाशों के टुकड़े करने लगी, जबकि सीमा अभी भी हैरान हुई खड़ी थी। अगले सीन में हम देखते हैं रोनी ने बिल नाम के बदमाश का उधार चुकाना था। उसे जब सीमा ने बैग के बारे में बताया तो वो बिल से दो आदमी मांगता है। वो बिल से वादा करता है कि मुझे आपके दो आदमी एक दिन के लिए चाहिए और बदले में मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। उसकी बात मानकर बिल उसे अपने दो खास आदमी देता है। ये दोनों वही आदमी थे जो लड़कियों के घर गए और जारा के हाथों मारे गए थे। कुछ देर बाद लड़कियां लाशों को ठिकाने लगाने जाती हैं और रोनी उनका पीछा करने लगता है। जल्दी ही लड़कियां एक वीरान सी जगह पर आकर लाशों को दफन करने लगी। रोनी भी उनके पीछे ही पहुंच चुका था। वो लड़कियों को लाशें दफन करते हुए देखकर उनकी वीडियो बनाने लगा। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद तीनों लड़कियां ने शहर छोड़ने का मन बना लिया। जारा को डर था कि बदमाशों को पता चल गया कि बैग हमारे पास है और वो हम पर फिर से हमला कर सकते हैं। बदमाशों से बचने के लिए तीनों ने शहर छोड़ने का फैसला किया था। तीनों लड़कियां बेश बदल कर शहर छोड़ना चाहती थीं ताकि कोई भी बदमाशों ने पहचान ना सके। जारा ने पैसों वाला बैग भी उठा लिया था जिसे उसने नई जगह छुपा कर रखा था। रोनी लगातार लड़कियों पर नजर रखे हुए था ताकि मौका मिलते ही उनसे बैग छीन सके। उसकी नजर जैसे ही बैग पर पड़ती है तभी वो सीमा को फोन कर कहता है, मैं जारा से बात करना चाहता हूँ। सीमा जारा को फोन देती है जिसके बाद रोनी कहता है, मुझे पैसों वाला बैग चाहिए। मेरे फोन में तुम्हारी वीडियो है जिसमें तुम लाशें ठिकाने लगा रही हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर जारा बैग देने के लिए तैयार हो जाती है। रोनी उसे पुराने एक क्लब में आने को कहकर फोन काट देता है। कुछ ही देर बाद तीनों लड़कियां उसी पुराने क्लब में पहुंच गईं। यहां रोनी ने उन्हें बुलाया था। रोनी लड़कियों के सामने नहीं था बल्कि उसके हाथ में एक माइक था। वो जारा से गन फेंकने को कहता है। उसकी बात मानकर जारा ने अपनी गन फेंक दी। फिर वो लड़कियों के सामने आता है। अब वो उनसे बैग मांगता है लेकिन जारा दूसरी गन निकाल कर कहती है, मेरे पास दो दो गन्स थे। अब जारा के कहने पर रोनी को बैग दे दिया जाता है और रोनी उन्हें फोन दे देता है। अब रोनी जैसे ही जाने लगा तभी वहां बिल आ जाता है। उसके आते ही वो रोनी से अपने पैसे और अपने आदमियों के बारे में पूछता है। दरअसल बिल के आदमियों ने रोनी को यहां आते देख लिया था इसलिए वो यहां पहुंच गया था। रोनी बिल को बताता कि पैसे मेरे पास हैं लेकिन तुम्हारे आदमियों को जारा ने मार दिया है। उसकी बात सुनकर लड़कियां झूठ बोलती हैं कि इसी ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। अब रोनी लड़कियों पर और लड़कियां रोनी पर इल्जाम लगाने लगी। उनके शोर से परेशान होकर बिल सबको मारने का हुक्म दे देता है। अब बिल के आदमी रोनी और तीनों लड़कियों को मारने वाले थे। इस पुराने क्लब में गोलियां चलने लगी। जारा बिल के आदमियों से मुकाबला कर रही थी। इसी बीच मेघा को एक गोली लग जाती है जिस कारण वो काफी जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ बिल रोनी को मार देता है। सीमा के पास बैग था और जल्दी ही बिल उसे भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जारा अभी भी बिल के आदमियों का मुकाबला कर रही थी। मुकाबले में वो जख्मी हो गई थी लेकिन किसी तरह बिल के आदमियों को मार ही देती है। बिल के सभी आदमियों को मारकर जब जारा हॉल में आती है तो बिल की गन सीमा पर देखी जाती है। बिल समझ गया कि जारा ने उनके सभी आदमियों को मार दिया। वो सीमा को मारकर कहता है, तुमने मेरे आदमियों को मारा, मैंने तुम्हारी दोस्त को, हमारा हिसाब बराबर हुआ। इतना कहकर वो वहां से खाली हाथ चला जाता है। उसके जाते ही मेघा की हालत भी खराब हो जाती है और वो भी वहीं पर दम तोड़ देती है। कहानी के आखिर में सिर्फ जारा ही जिंदा बची थी और उसी के पास पैसे थे। वो आजकल मैक्सिको आ गई थी और नई जिंदगी जी रही थी। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।